दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। दोस्तों देखिए, वंशिका क्या खा रही है। दोस्तों देखिए, शाम में सब क्या खाता है बताइए। शाम में सब क्या खाता है देखिए, लता कितना भूखाई हुई है जिसे खा रही है। अरे मम्मी, मेरा देख दिला दी। नहीं, गिरा नहीं बेटा, गिर गया। दोस्तों आज मैं कुछ रेसिपी बनाने जा रही हूँ। ज्यादातर मेरा ब्लॉग रेसिपी भी रहता है, पर सोची मैं क्या कहाँ जाऊँ, क्या बनाऊँ। बच्चे लोग के लेकर, छोटे भी मेरे बच्चे हैं, तो मैं कुछ कुछ ब्लॉग भी ब्लॉगिंग भी कर रही हूँ, कुछ रेसिपी भी बना बना के आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कुछ कुछ लोग को पसंद आ रहा है, कुछ लोग को पसंद नहीं भी आ रहा है। तो दोस्तों आज मैं मटर का जो रहता है उसका भावरा बनाने जा रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं गिने, ऐसा क्यों कर रही है तुम? किसका अलग स्टाइल रहता है। चलिए मैं दिखाती हूँ मटर। देखिए देखिए दोस्तों, हरा हरा मटर आप लोग खा जाइए। देखिए दोस्तों, देखिए मैं मटर ले ली हूँ। मटर हमें ऐसा वाला चाहिए दोस्तों, ऐसा मटर चाहिए। दोस्तों देखिए, पर ग्रीन वाला से बनाएगा तो हल्का थोड़ा सा दिक्कत होता है बनाने में, पर ऐसा वाला लीजिए। दोस्तों आपको अंदर का पता है, गोला गोला रहता है ऐसा वाला मटर बनाइएगा। इसका वाला देख के ना, ऐसा जो ज्यादा मने जवाल जैसा दिखता हो उसका, बहुत अच्छा बनता है दोस्तों भाभरा। तो चलिए मैं बनाती हूँ, दिखाती हूँ मैं किस तरह से बना रही हूँ। मैं छिल के एक बॉल में रख लेती हूँ। दोस्तों देखिए, हमने निकाल लिया है, निकाल कर मैंने पानी में डाल दिया हूँ मटर को। देखिए इतने से अच्छे से हमें धो लेना है। इधर मैं मिक्सी जार ली हूँ और मिक्सी जार में मैं सारे मटर को डाल दे रही हूँ। और हमें बहुत अच्छे से धोना है दोस्तों, उसमें पानी नहीं जाना है। एक ठो पानी डाल कर इसमें हमें एक ठो पानी इसमें डालकर नहीं पीसना है दोस्तों, हमें अच्छे से पानी इसमें डाल देना है। और जितने हैं सब मैं मिक्सी जार में डाल दे रही हूँ। इसमें मैं ली हूँ अदरक एक टुकड़ा, 3-4 कली लहसुन का ली हूँ और एक हरा मिर्च ली हूँ। दोस्तों इसमें धनिया पत्ता नहीं था मेरे पास, तो आप इसमें धनिया पत्ता भी ऐड कर सकते हैं और ऐड करके आप इसमें पेस्ट बना सकते हैं। देखिए हमें ऐसा पेस्ट बनाना है। और दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, अगर गिल्ला भी हो जाता है उसमें कोई दिक्कत नहीं। इसमें आप चाहे तो अलग से बेसन भी इसमें ऐड करके बना सकते हैं, या फिर इसमें थोड़ा सा आटा ऐड करके बना सकते हैं। अब चाहे तो ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए तो तावा हो चुका है गर्म, इधर मैं कढ़ा डाल दी हूँ इसमें। बहुत अच्छे से तरह से मैं फैला लेती हूँ। देखिए अच्छे से मैं फैल नहीं पा रहा है, तो मैं अपने हाथों को अच्छे से चारों तरफ फैला दे रही हूँ। और आराम आराम से दोस्तों ऊपर ऊपर से आराम आराम से अपने हाथों से हमें अच्छी तरह से फैला लेना है। और जितने ऊपर हैं जो हमें बहुत अच्छे तरह से इसे फैला कर हमें सेकना है दोस्तों। तुरंत हमें नहीं पलटना है, थोड़ा देरी होगा इसके बाद ही हमें पलटना है दोस्तों। और थोड़ा सा देखिए अंदर से कचरा, आराम से पलटना है क्योंकि टूटने का भी डर रहता है। इसमें हमें आराम से बनाना उनाना है क्योंकि मटर का हर चीज़, सब्जी वगैरह सब खा कर, मुंझा खा कर, हर चीज़ खा कर हम लोग बोर हो चुके हैं। तो भावरा बना कर खाइए, इस तरह से बहुत टेस्टी लगता है दोस्तों। लास्ट में नमक भी ऐड करिएगा दोस्तों। नमक मैंने डालने तो मैं आपको नहीं दिखाई, थोड़ा वीडियो स्किप हो गया उस समय। तो नमक डाल कर ही बनाना है इसको, बहुत टेस्टी लगता है दोस्तों। आप चाहे तो इसे मसाला भी डाल कर बना सकते हैं, पर मसाला वाला मैं नहीं बना रही क्योंकि मेरे बच्चे मसाला नहीं खाते हैं, इसलिए इन लोग को ऐसा ही अच्छा लगता है भावरा। मटर का भावरा अभी बहुत चल रहा है दोस्तों, मटर बहुत मिल रहा है मार्केट में। देखिए बहुत अच्छे तरह से, देखिए कितना अच्छे से सेक रहा है। हमें धीमी आँच पर आराम आराम से सेकना है दोस्तों, उलट पलट करके। देखिए इधर बहुत अच्छे से, देखिए मेरा इतना पेस्ट बचा हुआ है यार। मैं आपको लास्ट में दिखा रही क्योंकि मैं सारे बना ली हूँ। देखिए ऐसा ही कर, ऐसा ही हमें बेटर चाहिए, ज़्यादा मोटा नहीं चाहिए न ज़्यादा पतला चाहिए, हमें बहुत अच्छा सिंपल साधारण चाहिए ताकि हमें बहुत अच्छे से बना सकें मटर का। बहुत टेस्टी लगता है दोस्तों, आप चाहिए तो धनिया के पत्ता टमाटर की चटनी के साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। हमें तेल डालना है, तेल डाल के तवे पर हमें तेल डाल के चारों तरफ फैला लेना है। इसके बाद हमें उसके ऊपर, मैं इसी तरह सारे सबको बना कर रेडी कर ली हूँ दोस्तों। और देखिए कितने अच्छे से मुलायम, देखिए हल्का मोटा है लेकिन थोड़ा सा बहुत टेस्टी लगता है क्योंकि मोटा ही बनता है दोस्तों। जब भी आप बनाइए मोटा ही इसका बनता है दोस्तों। आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। टेक केयर एंड बाय।